Thank you for taking so much. Thank you for taking out the time on this rather pleasant Sunday morning for Health Connect. Health Connect is our new initiative that we have started to know about good health. ये एक ऐसा फोरम है जहाँ गुड हेल्थ के बारे में हम जानेंगे और किसी भी हेल्थ कंडीशन के बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे. दिस बी हेल्ड एवरी सेकेंड एंड फोर्थ संडे ऑफ द मंथ. वी हैव अ स्केड्यूल बट इन केस यू फील एनी टॉपिक इज ऑफ रियल इंटरेस्ट टू यू, यू कैन राइट इन टू कीर्ति डॉट धैया एट मैक्स हेल्थ केयर डॉट कॉम. द ईमेल आईडी इज ऑल्सो गिवन इन द स्टैंडी आउटसाइड. Talking about the topic, you know, the liver's main job is to filter out the blood coming from the digestive tract. It, you know, produces proteins, detoxifies chemicals. There are emerging problems like fatty liver disease, and to talk about them, we will hear Dr. Vivek Raj. Dr. Vivek Raj is an MBBS and MD internal medicine from Maulana Abdul Medical College, an MRCP from Royal College of Physicians, London, a diplomate in internal medicine and gastroenterology from American Board of Internal Medicine, has over 25 years of experience in this field of gastroenterology. Dr. Vivek Raj, welcome. Thank you, and good morning. Namaskar, Sat Sri Akal. We are going to have a very informal discussion. And achhi baat ye hai ki normally hum milte hain as patient and doctor. तो हमेशा कोई प्रॉब्लम लेके आता है, हम कहते हैं चलो प्रॉब्लम सॉल्व करो, 10 मिनट में किसी तरह पता करो क्या क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व किया ख़त्म. लेकिन जो तथ्य है हेल्थ केयर का, जो कि मेन फोकस है हेल्थ केयर का, वो प्रिवेंशन के ऊपर होना चाहिए. इट्स अ ओल्ड सेइंग, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन अ पाउंड ऑफ क्योर. एंड हमको उसके कम्प्लीटली उल्टे एग्जाम्पल रोज़ देखने को मिलते हैं. हम दिल्ली में खासतौर से, मे बी सारे हिंदुस्तान में, आप मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, पीछे एक बच्चा बैठा है, उसके पीछे बीवी बैठी है, हेलमेट सामने रखा हुआ है, पहना भी नहीं हुआ है, एक हेलमेट रखा हुआ है. उसके बाद जब एक्सीडेंट होता है, हेड इंजरी होती है, बीवी मरती है, बच्चा मरता है, पैरालिसिस होता है, तब हम आके कहते हैं अरे अस्पताल बहुत महंगे हैं, न्यूरोसर्जन ने बहुत पैसा चार्ज कर लिया, 50 चीज़ें चालू हो जाती हैं. लेकिन दैट वन प्रिवेंशन दैट कुड हैव एक्चुअली सेव्ड योर लाइफ, वी फॉरगेट अबाउट इट. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डू अ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस, बिकॉज ये चीज़ ऐसी है जो कि कई बार हमको हिट नहीं करती. जब हिट करती है तब हमको समझ में आता है कि प्रिवेंशन कब होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था. सो आई हैड अ कज़न ब्रदर हु वॉज 32, 33 एंड स्मोकर, कॉलेज से सिगरेट पीता था, आराम से दारू पीता था, खाना खाता था, थोड़ा सा मोटा था. एट एज 32 ही हैड हार्ट अटैक. टू यंग चिल्ड्रेन, 6 years and 4 years. And luckily survived, क्योंकि वो उसको जब हार्ट अटैक हुआ, ही वॉज वेरी क्लोज टू अ बिग हॉस्पिटल इन डेली. ही डिडंट लिव इन डेली, ही वॉज ट्रैवलिंग टू डेली एंड ही वॉज वेरी क्लोज, तो इसलिए वो बच गया. एंड एक इसका, इफ यू डोंट माइंड जस्ट कीप स्लीप, अनदर वेरी गुड फ्रेंड हु इज़ नाउ स्ट्रगलिंग विद इसोफेजियल कैंसर, यू नो, इन हिज लेट 40s, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओबीज, lack of exercise, diabetes, heart disease, everything, and now has esophageal cancer, very young. So these are realities that hit you once you see. And hota hai ki as doctors and as medical professionals we see the other end, but when you are not in the profession to aapko lagta hai ki especially jawani mein ki, aur uske baad fir aage bhi jaake ki yaar ho jayega, kaam zyada zaruri hai, bahut si tarah ki cheeze hoti hain. So there are n number of examples. Ek aur patient hai jo ki he was drinking alcohol heavily, इन टू रियल इस्टेट बिजनेस, बहुत बढ़िया बिजनेस चलता है, करोड़ों का बिजनेस है, जायदाद है, सिवियर एल्कोहलिक पैंक्रेटाइटिस. उसके बाद बहुत समझाया गया उसको कि भी आप एक महीना आई सी यू में रह के गए हो, दारू मत पीना आप, मत नहीं सर उसके बिना तो बिजनेस ही नहीं चलता, उसके बिना तो हमारे बिजनेस में तो होता ही ऐसे, नहीं समझ में आया. सेकेंड एडमिशन, उसके बाद फिर खैर बच गया दोनों बार. फिर उसके बाद सेकेंड एडमिशन के बाद ही क्विट ड्रिंकिंग, ही टुक केयर ऑफ हिज हेल्थ. उसके 2 साल बाद मेरे पास आया, मैंने कहा बिजनेस कैसा चल रहा है, कहता है बहुत बढ़िया चल रहा है भगवान की दया से. तो मैंने कहा बिना दारू के भी चल गया, दारू के साथ भी चल रहा था. सो द रीजन आई एम गिविंग दीज एग्जांपल्स इज दैट देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी फाइंड एक्सक्यूजेस नॉट टू प्रिवेंट, बट प्रिवेंशन इज द मेन थिंग. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैटी लिवर डिजीज. दिस इज अ न्यू एपिडेमिक इन इंडिया एंड एज वी गो थ्रू यू विल रियलाइज कि दिस इज समथिंग दैट इज एंटायरली प्रिवेंटेबल. And that is why we need to think about it seriously. When I was in fellowship, Boston University mein,
तो रिसर्च पेपर के लिए मेरे एक कंसल्टेंट ने मुझसे कहा कि मैं रिसर्च टॉपिक ढूंढ रहा था कि फैटी लिवर डिजीज़ पे ही डू रिसर्च एंड ऐसे बड़ी बोरिंग चीज़ें कुछ नहीं, अल्ट्रासाउंड में फैट दिख जाता है, क्या करना है इसका? ही सेज नो, इट्स इमर्जिंग प्रॉब्लम, इन 10 ईयर्स टाइम यू विल रियलाइज दैट दिस विल बिकम ए ग्लोबल प्रॉब्लम, और अभी हम वी आर नॉट रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ इट. हमने नहीं किया काम उस समय, वी वॉज मोर इंटरेस्टेड इन एजोटेरिक टॉपिक्स, हेपेटोसाइट ट्रांसप्लांट पे रिसर्च कर लिया, एक पेपर निकल आया. बट नाउ लुकिंग बैक ही वॉज सो वाइज, बिकॉज नाउट वॉट वी आर सींग. आज से 25 साल पहले व्हेन आई वाज इन मेडिकल कॉलेज, ज़्यादातर पेशेंट्स जो सिरोसिस के आते थे उसमें कॉमनेस्ट कॉज वाज अल्कोहल, द सेकंड कॉमनेस्ट कॉज वाज हेपेटाइटिस बी, एंड देन हेपेटाइटिस सी वाजंट नोन टिल देन, बट व्हेन इट बिकेम नोन हेपेटाइटिस सी वाज द कॉमनेस्ट कॉज. नाउ टुडे इन मैक्स ऑफ ऑल द पेशेंट्स हू कम विद सिरोसिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस, अबाउट 60-70% आर रिलेटेड टू फैटी लिवर डिजीज एंड नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस. सो दैट इज वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, दैट थिंग्स हैव चेंज्ड. When I was in medical college, just 25 years ago, 30 years ago, we thought India में heart disease तो western disease है, ज़्यादातर वो अंग्रेज़ों को होती है, अमेरिका में होती है, वेल्स में बहुत हाई इंसिडेंस है क्योंकि वो बहुत चर्बी खाते हैं, बहुत बीफ खाते हैं, इसलिए उनको होता है. And now we know that we are the heart disease capital of the world. We have the maximum diabetics in the country. It is rising rapidly. And so what we are going to focus on is what do we know about it and उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने अभी नहीं किया तो फिर हम कभी नहीं कर पाएंगे. इसकी लाइट थोड़ी डिम कर सकते हैं, सम ऑफ द स्लाइड्स आर अ लिटिल. सो व्हाट इज नॉर्मल लिवर, व्हाट इज फैटी लिवर? नॉर्मल लिवर, दिस इज जस्ट अ आर्किटेक्चर, दिस इज नॉट टू अंडरस्टैंड बट जस्ट टू शो यू द एग्जांपल, कि देयर इज सेल्स, देयर इज अ प्लेट्स ऑफ सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिवर, एंड द लिवर लुक्स नाइस एंड ब्राउन एंड हेल्दी, एंड व्हेन फैट गेट्स डिपॉजिटेड इट लुक्स स्टार्ट्स लुकिंग येलो, एंड देयर आर दिस मल्टीपल लॉक्यूल्स ऑफ फैट दैट डेवलप इन ईच ऑफ द सेल्स प्रैक्टिकली ऑफ द लिवर. सो व्हेन दैट हैपेंस, लिवर कैन नॉट फंक्शन स्मूथली. लिवर के जो अपने सारे काम हैं वो धीरे धीरे करके वो करना बंद कर देता है, क्योंकि इसमें इतना फैट भरा हुआ है. वन सेल कैन नॉट टॉक टू द अदर सेल, जो उसको काम करने हैं, द सेल्स गेट डिजीज, दे डाई आउट एंड दे गेट रिप्लेस बाय फाइब्रस टिश्यू. वॉट कॉजेज फैटी लिवर डिजीज? अब ये तो हम दिल्ली वाले हैं, हमारे शौक क्या है. किसी आज से 25 साल पहले हम कहीं जाते थे, पंजाब में आप जाओ तो लस्सी मिलेगी, राजस्थान में जाओ तो चाय पिलाएंगे, मद्रास में जाओ तो कॉफ़ी पिलाएंगे. अब आप किसी के घर जाओ शाम को, क्या पिलाएंगे हम? वाइन पिलाएंगे, विस्की पिलाएंगे, बियर पिलाएंगे. ठीक है, आप आज गुड़गांव में ड्राइव करो, हर, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, हर नुक्कड़ पे जहाँ पान की दुकान होती थी वहाँ आजकल शराब की दुकान है. सो द अल्कोहल कंजम्पशन इन इंडिया इज़ राइजिंग रैपिडली. इट इज़ राइजिंग इन ए अनकंट्रोल्ड मैनर. पीपल डोंट रियलाइज व्हाट इट डज. वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज फॉर द लास्ट 100 ईयर्स, 50-200 ईयर्स वी हैव नोन दैट ऑफ लिवर डिजीज इज अल्कोहल कंजम्पशन and excess alcohol consumption. So this is something that causes direct deposition of fat in the liver. Jitna alcohol hum peete hain, 7 calories per gram of alcohol, that gets converted very quickly into fat in the liver. It causes direct toxic effect on the liver, and slowly liver mein jo normal cells hain uski jagah scar tissue banna chalu ho jata hai, cirrhosis ho jata hai. So this is the commonest cause. The second thing is we all, you know, import all the bad things from the west and then we blame them. ये तो मैकडोनल्ड्स और पिज्ज़ा हट वालों की प्रॉब्लम है कि हम मोटे हो रहे हैं. प्रॉब्लम ये कि हमारे पास पहले भी मिठाई थी, अभी भी मिठाई है, बीकानेर वाला और नथूज और पता नहीं जितने भी तरह के नाम है. वी हैव ऑलवेज कंज्यूम्ड हाई कैलोरी फूड, और एक्सरसाइज धीरे धीरे करके कम होती चली गई है. ऊपर से हमने ऐड कर दिया वेस्टर्न हाई फैट फूड. इन USA इफ़ यू लुक एट द एपिडेमिक ऑफ ओबेसिटी, वी विल कम टू सम ऑफ दोस चार्ट्स, द इंसिडेंस वेंट लाइक दिस एंड वी आर फॉलोइंग एग्जैक्टली द सेम ट्रेंड इन अर्बन इंडिया, इफ नॉट वर्स. So we are doing this to ourselves. So the two main causes of fatty liver are alcohol, and the other one, what we call, suppose you are a non-alcoholic, then we call it a non-alcoholic fatty liver disease. So that is what non-alcoholic fatty liver disease is: excess deposition of fat from people who do not drink alcohol because of carbohydrates and fat intake. Those are the two things that can convert it into fat in the liver. So again, the same thing, reiterate: excess alcohol consumption. Non-alcoholic fatty liver disease का जो underlying कारण होता है वो होता है insulin resistance, which is genetically the cells are not able to use the insulin that the pancreas produces. So pancreas produces a lot more insulin in order to digest for the cells to use it. But jab utni insulin create hoti hai, so that insulin diverts lot of the carbohydrates to fat production rather than carbohydrates for producing energy and using it. So this is something that is very common in India. We have a very, very high incidence of insulin resistance as compared to Caucasian populations, even as compared to African populations. We have a very high incidence of insulin resistance. So we are predisposed to a large extent to fatty liver, high cholesterol, high lipids. So we are predisposed to that. Uske upar se humne add kar di aur cheezein. To aaj se 40 saal pehle khane mein
कभी मिठाई खाते थे महीने में एक बार, बाहर खाना खाने जाते थे कभी कभी महीने में चले गए, कोई घर पे आया तो शायद थोड़ी सी मिठाई ले आया। अब हम मिठाई खाते हैं रोज़, चॉकलेट फ्रिज में भरी होती है, पेप्सी कोक फ्रिज में भरे होते हैं। सो दैट इज़ वॉट हैज़ हैपेंड। एक्सरसाइज कम होती चली जा रही है, कहीं जाना है कार से जाना है, सबसे क्लोज पार्किंग ढूंढनी है। सो ऑल दोज थिंग्स हैव कंट्रीब्यूटेड। सो दीज आर द थिंग्स दैट कंट्रीब्यूट टू एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इन डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इंसुलिन रेजिस्टेंस विच इज प्री डिस्पोजिंग, दिस इज वॉट कॉजेज एक्सेस फैट डिपोजिशन इन द लिवर। तो उसके बाद होता क्या है, आई मीन अगर हम फैट डिपॉजिट हो गया तो क्या हो गया? सो दिस इज द प्रोसेस दैट गोज ऑन। पहले हेल्दी लिवर है, उसमें फैट ज़्यादा डिपॉजिट हुआ, फैटी लिवर हुआ, इसमें क्या होगा कि फैट लिवर एनलार्ज हो जाएगा लेकिन अपना काम करता रहेगा। द बॉडी हैज़ अ लॉट ऑफ रिजर्व, सो यू डोंट इवन नो, कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं, यू आर फीलिंग फाइन। धीरे धीरे इसमें स्कार टिश्यू और बनता चला जाएगा, फैट स्टार्ट द लिवर स्टार्ट बिकमिंग स्कार हैवी स्टिफ एंड दैट्स कॉल्ड लिवर फाइब्रोसिस। एंड फाइनली द लिवर गेट्स सो बैडली डिस्ट्रॉयड दैट इट बिकम्स सिरोसिस। And this is the process, and this may take 10 years from here to there, it may take 20 years, it may happen in everybody, it may not happen in everybody. Lekin this is the process that will follow. So main causes as we discussed, ek to obesity, and obesity, agar hum aaj yahan puchhe ki isme se how many people think they are overweight? Can I just have a show of hands? Okay, so this is by self-admission, at least 70% people are overweight. And the new definition for overweight in India is a BMI of 23. The world definition is 25. In India, the BMI definition is 23 because we have high incidence of insulin resistance. So by that definition, we will see what the obesity chart is. The obesity is one single biggest risk factor. Second is diabetes or impaired glucose tolerance, metabolic syndrome. So metabolic syndrome mein teen cheeze aati hain, obesity, char cheeze hain, obesity, diabetes, hyperlipidemia or high cholesterol, triglycerides and hypertension. And these are extremely common and becoming increasingly common in our population in general. So this is the estimated obesity where the BMI is more than 30. BMI is weight in kilograms divided by per square meter. But just to give a thing that between 25 and 30 is the world definition for overweight, and over than 30 is obesity. More than 35 is considered morbid obesity. So if you look at United States, this was a very interesting map which I have not included in this. CDC has been keeping a track of the obesity incidence in different states. When we look at the progression, it is amazing. In 1970s, when they started keeping this data, they had done a three-color chart, green, yellow and red. Green was obesity incidence less than 5%, red was obesity incidence more than 20%. In 1970, only three states were red, rest were green and there were two or three yellow. By 1990s, only three states were left green and there were about four that were yellow and everything else was red. By the year 2004, entire United States is in the red, more than 20% obesity. Hum bade khush hote hain ki India mein hamara incidence jo hai wo bahut kam hai, you know, 1.3 to 5.3% as compared to United States where it is more than 20%. Or parts of Western Europe for that matter, and parts of Australia, South America, all over the world. So it's a worldwide problem. Lekin hum khush galat ho rahe hain kyunki wo jo percentage kam aa raha hai wo keval isliye kyunki hamare gaon wale rural bhai behan hain jinke jahan utna obesity ka incidence utna zyada nahi hai, lekin ab jo concerning cheez hai un wahan bhi incidence utna hi tezi se badh raha hai ab. Agar hum dekhenge Punjab aur Haryana mein alcohol consumption rural areas mein zyada tezi gati se badh raha hai as compared to urban areas even. So this is a problem that we are facing, but abhi this is a false sense of security that people get looking at the data. This is what we really look like, you know, to an outsider coming in, this is what we look like as Indians. And we think bahut badhiya hai, khate peete ghar ke hum sab theek hai, healthy hai, acha ghee khate hain, khub badhiya, keval deshi ghee ki mithai khate hain hum, keval meetha, har ek ko jo bhi guest aata hai usko meetha to hona hi chahiye khane mein. मैं अपने किसी भी परिवार वालों के घर जाता हूँ, अरे मिठाई तो खानी है, इतने प्यार से बनाई है तुम्हारे लिए, मैं उनसे ये कहता हूँ मुझे प्यार से आप सेब खिला दो, प्यार से मिठाई मत खिलाओ क्योंकि वो उल्टा नुकसान करेगी. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग. दिस इज अर्बन इंडिया. सो अगर हम अर्बन इंडिया में देखें, ऑलमोस्ट 3 out of 4 इंडिविजुअल्स आर ओवरवेट, विच इज रफली वॉट वी गॉट इवन इन अ रैंडम सैम्पल. ठीक है, 73% ऑफ द अर्बन इंडियंस आर ओवरवेट, 3/4 ऑफ अस आर ओवरवेट. Half of urban Indians are obese, that means BMI more than 30, half. This is a big number. Maximum risk age group 28 to 38 years,
बिकॉज यहाँ पे जो सारी गंदी आदतें स्कूल और कॉलेज में जब हम फुटबॉल भी खेलते हैं स्पोर्ट्स भी खेलते हैं जवान होते हैं उस समय की जो सारी चीज़ें थे कैचअप. इंसिडेंस ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी नाउ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स ऑफ द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन. माई वाइफ इज़ ए पीडियाट्रिशियन एंड वी कीप सीइंग पेशेंट्स एंड शी इज़ सेइंग दैट इन हर क्लिनिक एटलीस्ट 20-25% ऑफ चिल्ड्रन शी सीज आर ओवरवेट. एंड that is the time when the cholesterol deposit in the arteries is starting. That is the time when the fat deposition in the liver is starting. So we need a complete overhaul of our socio-economic thinking, our environment, our how we consume food, how we look at food, what is healthy food, what is unhealthy food. The WHO recommendation for sugar consumption for Indians is 5 grams a day. Ek chammach chini din bhar ke liye. That is the WHO recommendation. एंड अगर आप किसी से भी पूछें ऑन एन एवरेज वी कंज्यूम एनी वेयर फ्रॉम 25-30 grams 25-50 grams ऑफ शुगर अ डे. दो चम्मच चीनी चाय में हो गई, दो कप चाय में थोड़ा सा मिठाई हो गई, पेप्सी हो गया, कोक हो गया, सब मिला मिलू के शुगर बढ़ती चली जाएगी. द हाइस्ट रिस्क ऑफ वेट गेन फॉर मैन एंड वुमेन इज इन दिस एज ग्रुप. एवरेज पर्सन गोज फ्रॉम हेल्दी एट 26 टू ओबीस एट 38 ईयर्स. सो दिस इज समथिंग दैट इज यू नो डॉक्यूमेंटेड डेटा. Now, this is what's happening to diabetes in the world. Everything is increasing. And, you know, there are different bar charts. I'm not going to go into details ki kis mein kya hai, kitna hai. Lekin aap agar dekhenge ki, aaj se agar hum, if we look at 2013, in 10 countries by number of people with diabetes, China and India are at the top of the total number of patients with diabetes. And the rate of increase is very rapid. And the percentage increase is also very rapid. Not just because we have a high population, but just because we have very high insulin resistance. So that is the reason that our numbers are so huge. And exercise is not in our DNA. तो मतलब पता नहीं कब से निकल गए DNA से. How, what does fatty liver do? So this is the mechanism ki how fat damages. This is called a two-hit hypothesis. So पहले deposit होता है, fat deposit हुआ liver में, थोड़ा fatty हुआ, insulin resistance, fat accumulation, इन सब चीज़ों से fat deposit हुआ. उसके बाद there is something that acts as a secondary hit, environmental factors, genetic factors, which then result in this fat causing inflammatory damage to the liver cells. So this is what we call the second hit. And इसमें क्या होता है, liver cells में there is certain organelles called mitochondria which are responsible for generating energy, for converting glucose and fat into energy. So उनका dysfunction हो जाता है, so instead of just generating energy, they start making more fat. So there is more and more fat deposition. There is the many other thought processes in this gut axis. Oxidative stress. Oxidative stress का मतलब होता है कि nascent oxygen release होता है बहुत सी चीज़ों से, कुछ दवाइयों से, alcohol से, कुछ chemicals से, जो कि direct damage करता है liver cells को. So oxidative stress किसी भी जगह से आया, it will cause damage to the cells. And eventually this is what we call non-alcoholic steatohepatitis. So steatohepatitis का मतलब है inflammation of the liver because of fat. So first is just fatty liver, then there is inflammation, and then there is scar tissue or cirrhosis. So this is what histology looks like, कि पहले खाली steatosis हुआ, fat deposit हुआ, फिर इसमें steatohepatitis हुआ, इसमें जितना नीले नीले दिख रहे हैं, these are all inflammatory cells. So inflammation चालू हुआ, फिर जब उसको healing हुई, जैसे आपके हाथ में चोट लगती है, heal होता है तो scar tissue बन जाता है. अब जहाँ scar tissue बना है, that area is non-functional. अगर बड़ा सा स्कार है आपका तो दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्किन इज नॉट फंक्शनल. इफ द मसल हैज बीन टेकन अवे, स्कार टिश्यू इज रिप्लेस हुआ, दैट इज नॉट फंक्शनल. सो इन द लिवर सडनली यू गेट ऑल दीज एरियाज ऑफ स्कार टिश्यू एंड दे रिजल्ट इन द लिवर सेल्स जो भी फंक्शनल भी हैं उन वो भी आइलैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दे कांट टॉक टू ईच अदर, द केमिकल्स कांट गो फ्रॉम हियर टू हियर, दे कैन नॉट फंक्शन नॉर्मली. सो एज अ रिजल्ट यू डेवलप सिरोसिस. सो दिस इज द एंड पॉइंट दैट हैपन्स फ्रॉम हियर एंड दिस प्रोसेस कैन टेक 15 years, it can take 20 years. So if you have a normal liver, there is about a 10-35% of the patients who develop steatosis, 12-40% will develop NASH, and about 15% will develop cirrhosis. And all this, each stage is associated with increasing cardiovascular risk. That means increasing risk of heart attack. So there is a relationship between fat deposition in the liver, fat deposition in the arteries, narrowing of the arteries, and heart disease, and death. So I think we got to remember कि मरना तो सबको है किसी दिन, लेकिन हाँ हम हार्ट अटैक से मरें या सिरोसिस से मरें, 40 साल की उम्र में मरें या 50 साल की उम्र में मरें या 70 साल की उम्र पर मरें, वो काफ़ी कुछ हमारे हाथ में, काफ़ी कुछ तो जेनेटिक्स में जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी कुछ हमारे हाथ में, हम अपनी ज़िंदगी कैसे जिए. तो कॉम्प्लिकेशन सिरोसिस में होता क्या है, अगर सिरोसिस हो गया, लिवर बहुत हार्ड हो गया, नॉड्यूलर हो गया, तो एक तो पेट में पानी एक्युमुलेट होना चालू हो जाता है, उसको कहते हैं एसआईटीज़.
दूसरा होता है वेन्स डायलेट हो जाती हैं खाने की नली में और प्रेशर की वजह से, और उसमें से जब ब्लीडिंग होती है तो उसमें करीब 30% चांस होता है डेथ का ईच टाइम देयर इज ब्लीडिंग. सो इट इज़ हायर देन द रिस्क ऑफ ए हार्ट अटैक. हार्ट अटैक से प्रेजेंट रेट ऑफ डेथ इज अबाउट 10% फ्रॉम द फर्स्ट हार्ट अटैक. इन वेरेसीज फर्स्ट ब्लीड 30% डेड. मेंटल कन्फ्यूजन, एनसेफलोपैथी, डिसोरिएंटेशन, दीज थिंग्स हैपन एंड देन रैपिड डिटेरेशन इन डेथ. सो वंस यू डीकम्पेंसेट डेट मीन्स एक बार एसआईटीज तक बात पहुंच गई या वॉमिटिंग ऑफ ब्लड तक बात पहुंच गई अगर 50% डू नॉट सर्वाइव टू ईयर्स. सो दिस इज द टिपिंग पॉइंट कि अगर सिरोसिस हो गया है आपको यू आर एट द एज दे उसके बाद कब खाई में आप गिरेंगे किसी को नहीं पता. सो दैट इज वेयर वी हैव टू एक्ट अर्ली. और सिम्टम्स कुछ नहीं आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक. कुछ पता नहीं चलेगा, थोड़ी टायर्डनेस है, थोड़ी थकान है, कोई दर्द नहीं है, कोई वॉमिटिंग नहीं है, खाना अच्छे से पच रहा है, जिंदगी बढ़िया चल रही है, बट द डैमेज इज हैपनिंग इनसाइड. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट. सेकेंड थिंग इज दैट सिरोसिस एंड इवेंचुअली लीव्स टू लिवर कैंसर. सो लिवर कैंसर इंसिडेंस कैन बी एज हाई एज 4-5%. दैट मीन्स 1 out of 20 to 1 out of 25 पीपल विथ सिरोसिस बिकॉज ऑफ फैटी लिवर डिजीज विल डेवलप लिवर कैंसर एंड देन इट्स अ वेरी वेरी रैपिड डाउनहिल. So how big is the problem in India? Overall prevalence of fatty liver is anywhere from 10-30%, which is a huge number. So 10-30% का मतलब है कि अगर इस रूम में 100 लोग हैं तो उसमें से anywhere 25-30 लोगों को फैटी लिवर है. ठीक है, this is a very very staggering number. Given the population of India, we are dealing with a huge problem. इसमें treatment कोई भी effective treatment नहीं है. So the only thing that can be done is prevent. Treat. कोई मैजिक पिल नहीं है, कोई मैजिक दवाई नहीं कि आपने दवाई दे दी और ठीक हो गया. ऐसी कोई दवाई नहीं है. अभी मैं ट्रीटमेंट की बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ें काम करती हैं. प्रिवलेंस इज हायर विथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम. सो इट द प्रिवलेंस ऑफ फैटी लिवर डिजीज अमंग पेशेंट्स हु आर ओबीस उसमें 15-80% पीपल हैव फैटी लिवर एंड 25-60% पेशेंट्स हु हैव हाई कोलेस्ट्रॉल हाई लिपिड्स हैव फैटी लिवर एंड 33-55% विद डायबिटीज. सो रफली हाफ द पेशेंट्स हु हैव डायबिटीज हैव फैटी लिवर एज वेल. सो वी आर adding risks, diabetes अपना risk, heart disease के लिए, renal failure के लिए, eye disease के लिए, सारे problems diabetes के, उसके ऊपर से cardiovascular risk बढ़ गया आपका, उसके ऊपर से fatty liver